ये जो बना रही है कचौरी टाइप की, तो दही से खाएगी कैसे? दही। I am so Ameer. Guys, welcome back to my YouTube channel. I hope आप सभी प्यार से होंगे, खुश होंगे और अच्छे होंगे अपने घर में। तो आप लोग बोल रहे थे कि आप डेली व्लॉग करो अपनी बहन के साथ, अपनी मम्मी के साथ और मेरी छोटी सी मनिया के साथ। तो आज ये मेरी बहन है जो मेरे कपड़े पहन के घूम रही है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है यार, ये गुनगुन आशु की एक शर्ट है, हम सब उसके पीछे पड़ गए यार धुल के। तुम लोग बहुत मिस कर रहे थे मेरे डेली व्लॉग्स को। हम कल भी करेंगे, कल मेरा कार्निवल है और कल गुनगुन का कार्निवल है। वो ये उसके लिए बहुत एक्साइटेड है और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसके स्कूल में बहुत सैक्सी लड़के हैं। हमारा प्यारा सा क्यूट सा डेली व्लॉग होगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, बड़े दिनों से आप ना मम्मी से मिले ना गुन्नू से मिले, कि मैं मोमो लग रही हूँ। तो ये है हमारी प्यारी सी बेन। एंड आई विल शो व्हाट मामा इज डूइंग एंड व्हाट आंटी इज डूइंग। आंटी हेलो, कैसा हो? मैं भी ठीक हूँ। मामा लुक हियर, अच्छी लग रही है आंटी। बताए मैं घूम के आई, मम्मी पता मुझे क्या बोल रही? आती कह रही कल मुंह ही आ गई मुंह काला करवा के। अरे यार ऐसा क्यों बोलती हो दीदी? मम्मी आज आंटी पता है क्या मैं बोलती हूँ? आंटी क्या बन रही है? ये सत्तू की पूड़ी है। सत्तू की पूड़ी आंटी अच्छी बहुत है, बट इसके ऊपर से भी नमक आना चाहिए। दिखाइए दिखाइए, बता दो मेरी। अरे पापा आप एक काम करो, पूरी छाछ भी लो तो ऐसे ऐसे करते हैं। लॉग ऑन होती है पापा को हिच की समझ आ जाती है, ये दिखाने कि मैं काम करता हूँ घर का। हाँ, तो अरे वो तो छोड़ो, इधर तो मेरी जान में दिखाई देता है, ये ब्रा दिख रही है एक मिनट, ये देखियो। कोई नहीं यार, ब्रा ही तो है। यार मैं इतने दिनों के बाद आई हूँ, मेरे तो मन ही नहीं कर रहा था इस घर में पैर भी रखने का, इसकी सीमा लांघने का। अब आप मेरी बात सुनो, नाक में लगा के बंजारों की तरह घूम रही थी। ओ भाई मेरी मम्मी क्या बोलेगा, क्या बोलेगा? बोलेगा सेक्सी है लड़की, सेक्सी। दो बार सेक्सी बोल चुकी, कह रही तेरे स्कूल की लड़के बहुत सेक्सी है। शर्म नाम, मैंने सेक्सी नहीं बोला, आपने सेक्सी बोला। पता है इसके स्कूल के लड़के कैसे? ऐसे एक दिन मैं जा रही हूँ उसके स्कूल में, ठीक है, ऐसे करके देख रहे हैं। मैंने कहा ऐसा तमाचा मारूंगी बहंगे के। आप तो बड़ा दिखा रहे थे, सत्तू की पूड़ी बना रहा हूँ, छाछ बना रहा हूँ, लस्सी, बैठ गए आराम से आके। बताएगी तभी तो। मैं कहती हूँ आप मेरे मोमोज बनाओगे? कुछ और बता। मम्मी की तरह क्या हो गया? पापा मैं तो बता रही हूँ, मजाक नहीं करी, मैं कह रही हूँ आप और मैं मिलके मोमोज की रेडी खोलते हैं, खूब पैसे नोट छापेंगे। अरे अरे यार मजाक की बात नहीं, आजकल फूड वही तो। मैं मोमोज बनाऊंगी, फ्रेंच फ्राइज तलना। पर बताए मम्मा ना मुझसे आजकल बात नहीं कर रही है। अरे जल जानी दुश्मन मेरी जान की। सुनो तो मम्मा, आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती? अपने बालकों को नहीं खिलाती, खुद खाती हूँ। ये क्या है मम्मा? ये मम्मी सत्तू वाली है, आलू वाली, आलू वाली। ये खाऊंगी मैं, आलू वाली मुझे पसंद है। किसके हाथ की है? छोटे दूध तो आता नहीं, छानना तुझे। दिस पराठा इज सो गुड। मम्मा आप मेरे को ऑनेस्ट रिव्यू दे दो यार, सब पूछ रहे हैं मम्मा का क्या रिएक्शन, तो नोज पियर्सिंग बता दो। बिल्कुल गंदी लग रही है, तो इनको क्यों डांट रहे हो? जैसे इन्होंने करवाई है। हाँ वैसे इन्होंने करवाई, इन्होंने कराई, ये तो तुझे समझाते थे। इसकी कमेंट्स में लिख दो गंदी लग रही है, अब कहाँ से ठीक कराएगी? यार ऐसे मत बोलो यार, देखो मैं अच्छी तो लग रही हूँ, देखो अच्छी लग रही हूँ, बड़ी सी लग रही है, क्यूट लग रही है वैसे। बट हाँ तू भी करा ले, क्यूट लग रही है। लवीली बहू आंटी के साथ मिलके बना दो। आंटी मैं ऐसी लग रही हूँ इसको करा के जैसे मेरे पति ने मुझे मारा और मैं अपने घर वापस आ गई। हाँ सही बात है, कह रही हूँ। हाँ सही बात है, मेरा पति अगर देख रहा है या होने वाला कोई भी, बीच में से काट के तेरे को फ्राई कर दूंगी अगर हाथ लगाए तो, कुत्ते। कुछ नहीं होता यार, मेरा मन था पहनने का एक बारी नोज पियर्सिंग कराने का, और जिस चीज की मुझे चुल मच जाए मैं वो करके छोड़ती हूँ अपनी औकात में रहके, कि ऐसी चीज करवाती हूँ जिससे गाली पड़े पर चप्पल ना पड़े। ये वैसी वाली चीज थी, अगर ये करा लेती गाली के साथ साथ चप्पल भी पड़ती, इसलिए मैंने थोड़ा सा मी औकात में रहके कराया। तो भी ब्लॉग कर ले, तेरा पेट ऐसे भर जाएगा। क्या कर लूं? ब्लॉग कर रही, ब्लॉग कर रही हूं। यार मेरा ब्लॉग पता है कोई नहीं होने देता, तुम कहते हो ना ब्लॉग क्यों नहीं डालती, ये दोनों है ना, और मुझे कहती है कलमूही। मेरा मन कर रहा है मम्मा आपने मेरा नाम ही कलमूही रख रखा है, मैं क्या करूँ? दे दो मम्मी। मम्मा यार मुझे सत्तू की नहीं खानी मम्मा, आलू के बोल के सत्तू की खिला देगी। आंटी ने मेरा पेट देख के मेरे 5 पूड़ियां बना दी। दीदी एक साथ रखो। पापा मेरे को भी दही दे दो यार। आंटी बहुत टेस्टी है ये आलू वाला, सत्तू वाला मेरे को इतना पसंद नहीं आया, पर आलू वाला
इज सो गुड। किसने? पापा ने बनाया आलू के? नहीं, आपके वाला भी अच्छा है यार। बता दो ये बता, मुझे अपने खाने भर में लेके जाएगी? चल जा, सब फ्रेंड्स के साथ घुमाएगी। मेरी कसम, क्यों? पर आप घूम के क्या कर रहे हो उनके साथ? नहीं तो उसके आश्रम में जाएगी, मैं भी जाऊंगी। तो प्ले ग्राउंड में जाएगी, मैं भी जाऊंगी। फोटो करने जाएगी, मैं भी जाऊंगी। क्योंकि मम्मी मेरी फ्रेंड्स है। कब से? मैं क्यों तो अपनी फ्रेंड्स के चक्कर में अपनी फैमिली को भूल जाएगी? कोई बात नहीं, मुझे पता है मेरी मैं ऐसी हूँ, पर मेरी बच्ची कभी ऐसी नहीं करेगी। पता है ये चीज़ ना, मैं हमेशा इसको बोलती थी, पर आज इसने मुझे बोल दिया, क्योंकि मेरी नाक छिदी हुई है। इसने मुझे इतने प्यार से बोला, बेटी पुष्पा। यार मैं नहीं हूँ बेटी पुष्पा। आज सही सही बताओ, ये बेटी पुष्पा जैसी नहीं लग रही? यार मैं तो क्यूट लग रही हूँ यार, मुझे तो अच्छा लग रहा है। बेटी पुष्पा, बेटा प्रमोद, चल तुम तक पति प्रमोद बोलना चाहिए। आशु आ गया है यहाँ पे घर पे, और चुप चुप रहे, हाँ छुप जाओ। ठीक है मैं छुप जाऊँ, वॉशरूम में चले जाओ, मैं बोल दूंगी मर रही। नहीं मैं इसी के अंदर छुप जाती हूँ। अरे दिख जा, कूद जाएंगे वो इस पे। मैं कहाँ जाऊँ? सुन मेरा व्लॉग बना ले जल्दी से, बालकनी में चले जाओ, मैं गेट बंद कर रही हूँ। ऐसे मेरा व्लॉग नहीं दिखे, मैं इधर ही छुप। और इसको अच्छे से ओढ़ लो, जो दिखे होगी ना, इसे मोटी मोटी दिख रही हो अंदर, बिल्कुल लाश की तरह पड़ी रहो। हाय भैया, भैया का स्वागत व्लॉग से होता है। हाँ नीचे दुकान पे गई हुई है। क्यों? अरे नहीं, वो 5-10 मिनट पहले गई थी ना। हाँ हाँ मुझे नहीं पता अब कौन सी दुकान पे गई, वो कुछ लेने गई थी। क्या रही हो? रोए जा रही है इतनी बुरी तरह, कह रही मेरी तुंदिल निकल रखी है, ये बाहर निकल रही है, देखना एक मार दी ऐसे बवंडर बनते हैं। कह रही मैं कार्निवल में क्या पहनूं, घंटा का लगा रहे, रुक जाओ एक सेकंड। गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम जा रहे हैं गुनो के कार्निवल में। और यार मम्मी पता है क्या कर रही है? मम्मी पानी की बोतल रख रही है। आज हम गुनो के कार्निवल में जा रहे हैं, और इतने टाइम के बाद, मतलब कोरोना के बाद तो हम गए ही नहीं एक बार भी। गए थे गुनो? ये फालतू की चीजें ना, रुका उतार इसको। क्यों? मैं यार एक सेकंड, नाक में लग जाएगा। ठीक है क्यों उतारू, पर अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा नहीं लग रहा, खुद की तो कुछ इज्जत है नहीं, दूसरों की भी खराब है। दूसरी हूँ यार, मेरी क्यों नहीं इज्जत है यार? मुझे तो अच्छा लग रहा है यार, आजकल मैं अपना लुक चेंज करने का सोच रही हूँ। लो गाइस अभी फटाफट से चलते हैं, लेट्स सी आज गुनगुन के टीचर मिलेगी बहुत सारी। कोई ऐसी टीचर है जिससे डर लगता है? हाँ। कौन सी? हिंदी वाली। उन्हें से मिलेंगे। भाई हमारे स्कूल वाले सिर्फ चिल्ड्रन पार्क लेके जाते थे, कोई कभी कार्निवल नहीं, सिर्फ एनुअल फंक्शन होता था उसमें भी सरस्वती माता बनती थी बस में बस। तो आज मैं जाऊंगी, और मुझे ऐसे लग रहा है मेरा ही कार्निवल हो, लेट्स गो। उसकी इज्जत खराब करवाऊंगी। तू चल ना, चल जल्दी। दीदी मत करो, मैं मार दूंगी। क्या मामा मुझे परेशान कर रही है? गुनगुन मोटर बंद कर। फोन पे बात कर रही है दोस्तों से, बार बार कह रही है तू पहुंच गई, तू निकल गई। अबे जिंदगी में पहली बार कहीं जा रही है दोस्तों अच्छा? के पास नहीं, कभी नहीं गई आज तो, कहीं नहीं गई भाई, घर में पड़ी रहती है। आज पहली बार जा रही है तो ऐसे बिल्कुल प्रिटेंड कर रही है, हाँ हाँ मैं तो निकल गई अपनी गड्डी लेके, तू भी आ जा। मम्मी अलग लेवल की, खुद अपनी जेब। चाबी तेरा कौन लेगा? व्लॉग चल रहा है इसीलिए नहीं बोली, नहीं तो कहती तेरा बाप लेके आएगा चाबी। अपने पता नहीं पैसे खाई रख रखे थे मैंने, अपने बैंक से ट्रांसफर करे हैं, उसमें भी मेरे पास भी अकाउंट है अपना। कह रही अपनी पिकनिक को तो 5 बजे उठ के बैठ जाई, मैं बहुत हराम थी पिकनिक के मामले में। वैसे स्कूल में उठना नहीं, और जिस दिन पिकनिक है, मम्मा मैं रेडी हो गई हूँ। यार मेरे से बात तो कर लो, इधर तो सुनो। यार पता है मम्मी क्यों सड़ रही हैं? सिर्फ एक ही रीजन की वजह से, मैंने पियर्सिंग करा रखी है, ये रिएक्शन है इनका। तो मेरी रिएक्शन देख लो, तो देख लो आपकी गाड़ी को, ये उस पे हाथ लगा रहे हो, छिया गंदी। बोलो क्यों, मैं क्यूट नहीं लग रही इसमें? बड़ी बुरक है, इसको एक काम दिया था स्कूटी की चाबी लाने को, लेकर आई शर्म नाम की चीज नहीं। नहीं बोलो बोलो बोलो, जो बोल रहे थे वही बोलो।
इसको एक काम दे रहा, स्कूटी की चाबी ले आना और आके नीचे खड़ी होगी कैमरा खोल के मुड़ो। चला जा चला जा चला जा, मेरे मुंह मत लगी हो। एक लड़का भी पीछे से चिल्ला रहा, चोर दिख रहेगा मम्मी मेरा फोन ठीक है। अरे पकड़ ले फोन, ए फोन बचा, फोन बचा। वाह यार, स्कूल वालों ने तो बड़ा ज्यादा खर्चा कर रखा है। ए, अकेले जा रही है, कह रही है इसके साथ घूम के आती हूँ पूरा। मैंने कहा नहीं मैं भी साथ चलूंगी, इधर रुक जा तू मेरे साथ है, इस पर अकेले रहने दे। और ये वही लड़का है जिसको मैंने गुनगुन का बंदा बनाया था। सही है भाई, कितनी अच्छी क्या रहा बताओ, हमेशा लगती गुनु चले। यार ये पता है हमसे बात नहीं करी, ये सिर्फ मेरा भाई है, ये मेरे साथ घूम रहा है, ये दोनों ये अपने भाई के साथ घूम रही है। इतना पहले खाएंगे कुछ, ठीक है आ जा। कितने की है भैया, कितने की है? 80 रुपए का दे दो, एक प्लेट कर दो। 20 लेके आओ, लो तीन ले लो। इनफैक्ट नहीं 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 नहीं, नो नो, खाना तो पड़ेगा। चलो चलो मस्ती में तू डोल, चलो तो अकेले खेले जा रहा, मेरे को खिलाई नहीं रहा। ये तो बड़ा चलाक निकला। ए मम्मी अब हमारे पैसे को ध्यान रखो। यशोदी क्या दिक्कत है यार, इस काम से बहन ने तो भी नहीं बोला। अकेले बाहर भी क्या चल गए, मैं आ गया। अच्छा सुनो, हो गया इजी। सबसे बड़ा चीज क्या है यहाँ पे, बड़ा चीज इसको ले जाओ। ये दीदी अगर नहीं जीता ना मैं बहुत मारूंगा। ये ऐसे दीवानगी अड्डा मैम, एक बार देखिए मेरे तीन नहीं दिए ना, ये ले ले आपने 30 रुपए दे बंदे पर के चल। मम्मी आप करोगे, आदर्श तू और मैं करते हैं, चल छोड़ आ जाओ फिर आप और आदर्श करो। अच्छा दूसरी बार में बची हुई ना, ये नहीं बुझानी ना मैम। अरे ये मेरी हवा रह गई थी अंदर, छोटी मैगी मिल गई थी कुछ, कितनी हो रही है 30 रुपए के 12 रुपए की मैगी लेके भगा दिया। तो एक बार इसको गुनो सही से मारियो भाई, मैं तो वैसी ऐसे गेम्स में बहुत। कोई नहीं, मार लेगी मार लेगी, चल 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 चल, गो गो गो। अबे यार बेटर देन यू, ये ग्रेट। एक ही बार एक और बॉल दे दो मैम, ये देखो मैंने कितना अच्छा किया, ये देखो मैंने कितना अच्छा किया। मैगी बहुत खा ली हमने, नो मोर मैगी, ये चलेगा। थैंक यू मैम, ये बताएगा अच्छी स्ट्रैटेजी आपको। चलो गो 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 आराम से, हाँ हाँ चलो इधर जहाँ वो बोल रहे हैं वहाँ रख के थोड़ा सा ऊपर, चलो चलो चलो। ये ये अच्छा, अरे सही है। उतारना है प्यार से मम्मी, प्यार से भैया। नहीं नाम नीलम, स्पेलिंग एन डबल ई एन डबल ई एल एम। मार दे दो मार दे दो, मारो आगे आगे जल्दी जल्दी। आप क्या करते हो? मम्मी गुस्से में आ रही है, बात नहीं करी। मैंने मम्मी को क्रश दिखाया गुनगुन का, मम्मी कह रही है छी हट इसको, इतना रद्दड़ है इसको खत्म करवाऊंगी। तुमने कब देखा, वो तो है ही नहीं यहाँ पे। चल 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 चल, होएगा होएगा, नहीं हुआ। किसका फोन है? ये देखो ये गुनगुन के फैन है सब। कॉल ले कॉल ले कॉल ले कॉल ले, ये मैच। अबे मैंने लड़कों में पीएचडी करी है, मैं बता रही हूं सब कुछ सही है, ये हमारे चक्कर में घूम रहा है और कुछ कर रही है। क्या कह रहे तूने लड़कों में पीएचडी करी है? तेरी उसी किसको है, इसको देख के ऐसे कर रहा हूं। ये हमारा बॉडी गार्ड हमारे साथ है। जा रहा है, बाय बाय, टेक केयर, आराम से जाना। बहुत बार मिलते हैं, जब भी मैं आती हूँ हमेशा हाय दीदी
पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं हमेशा। चल बाय, ध्यान से जाना, ठीक है, टेक केयर, बाय, चलो, ठीक है। यार ये बहुत ज्यादा क्यूट है, बहुत अच्छा है, पता किसी के साथ नहीं घूम रहा। हम ये कह रहा था, पता है अभी इसने मेरे को क्या बोला, दीदी मैं गुन्नू को कितनी केयर करता है, कितना छोटा है गुन्नू। हाँ यार ये अलग ही बच्चा है, गुन्नू कितनी केयर करता है। हेलो, मुझे आपके साथ फोटो खिंचवाना। ओके चलो, थैंक यू सो मच। आदर्श ये पिज्जा तो खा के जा। नहीं नहीं, मेरे को वन प्लीज। ये जीता हुआ गिफ्ट दे रहा है अपना तेरे को, ठीक है। चलो फोटो, उसको यूनिकॉर्न पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है, वो अपनी बहन को भी दे सकता था। चलो गुन्नू खड़ी हो, सड़ रही है। अरे सी बच्ची मेरे पास आई है फोटो खिंचवाने और बोल रही है आपका न्यू व्लॉग कब डलेगा और अब आप भी आओगे व्लॉग में, ठीक है। क्या नाम है आपका? पारुल। ओके, आप इसी स्कूल से हो? हाँ। ठीक है, चलो आज शाम में आएगा, ठीक है, चलो वही खींच। यार इसको ये देख लो, ये उतार उतार के, मतलब ये सबसे अलग है इन दोनों से, ये दोनों अलग है, ये बिल्कुल अलग है। बंदी को तो ले जाओ साथ में, इसको क्यों छोड़ छोड़ के भाग रही है। अई एकदम से मैं डर गई इसको देख के। सबसे क्यूटेस्ट माई बच्ची, प्यारा सा आदर्श, थैंक यू सो मच। यार वो इतना क्यूट है, अच्छा है। यार अभी भी हम तेरी बातें कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा क्यूट है। आती मुझे कह रहे दीदी मैं तो आप ही का वेट कर रहा था, मैं किसी के साथ घूम ही नहीं रहा था, और आती मुझे एकदम मेरे साथ घूमने लगे और एंड तक मेरे साथ ही घूम रहा था। यार थैंक यू सो मच। करते ये नहीं डलेगा। क्यों, अगर मैंने ऐसा मुंह बना रखा है तुझे क्या बुरा लग रहा है? अरे तो बेइज्जती तो मेरी है, मेरी बहन की शक्ल ऐसी है। नाक में लग जाएगी। इसका क्रश का मतलब है बस वो मुझे स्मार्ट लगता है, अगर वो आगे से बात करे ये गुटखा थूक देगी इसके मुंह पे, फिर बात नहीं करेगी, क्योंकि पहले वाले ने ऐसे किया, आगे इसके पास इसे बात करनी, इसे बात करनी छोड़ दी, ब्लॉक मार दिया, सब कुछ कर दिया। और ये भी कह रहे थे मैंने लड़कों में PhD कर रखी है, देख रहे डाल मत दिए। ऐसा मैं चाहती थी कि मैं ना कोई ऐसी डिग्री करूँ जैसे BCOM विच बैचलर्स विच डिग्री ऑफ द मार्स, ऐसे ना कुछ ऐसे, बट मेरा कैसे BA टीचर्स के आगे इतनी अच्छी इमेज है, इतनी इज्जत है इसकी, टीचर्स के आगे इतनी अच्छी इमेज है इसकी। टीचर्स ने जब मैं गेम खेल रही थी इतनी भयंकर इंग्लिश बोली और मैंने, मैम ने बोला व्हाई आर यू ब्लिंकिंग योर आईज, मैंने बोला बिकॉज़ आई एम डरिंग। मम्मा मैं पता है मैंने स्कैर्ड की जगह डरोइंग बोल दिया। हाय गाइस,